नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम भरमा करेला बनाएंगे, जिसको कलौंजी बोला जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। धनिया पाउडर 3 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच, अमचूर पाउडर, करेला आधा किलो और तेल। भरमा करेला बनाने के लिए पहले हम इन करेलों को छील लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा करेला अच्छे से छिल गया है, और इसको इधर का निकाल देंगे और इसका भी साइड का निकाल देंगे, और हम इसे बीच से चीरा लगा देंगे ये, और यहाँ पे ये बना रहने देंगे, पूरा नहीं चीरा लगाएंगे। और इसी तरह से हम सारे करेलों को तैयार कर लेंगे। ये सारे करेले को हमने छील करके और काट करके तैयार कर लिया है। अब इसमें नमक मिलाएंगे। नमक मिलाकर इसको हम 1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इसका बिल्कुल कड़वापन निकल जाए इस तरीके से। इसमें नमक मिलाकर के रख दिया है। अब 1.5-2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से धो करके और इसमें मसाला भरेंगे। नमक लगा करके हमने इसको रखा था, 2 घंटे हो गए हैं। इसको धो करके अच्छे से रख लिया है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। अब हम इसमें सबको मिक्स करेंगे। ये हमने धनिया लिया है 3 चम्मच, ये अमचूर पाउडर है, हम अमचूर पाउडर का ही हमेशा यूज करते हैं, हल्दी 1/3 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, सबको बराबर से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे सब मिक्स होकर के तैयार हो गया है। अब हम तेल मिलाएंगे इसमें। तेल से गीला करेंगे इसको। तैयार हो गया है। हम ये कढ़ाई लेंगे और इसमें तेल डालेंगे। अब हम इसमें मसाला मसाला भरेंगे अपना। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ भर देंगे, ऐसे ऐसे बंद कर देंगे। पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस को हमने अभी तेज फ्लेम में कर दिया है, और ये करेले जो हमने भर करके तैयार करा है, इसको एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे इसमें। देखिए हमने सारे करेले भर करके इसमें रख दिया है, गैस को मंद कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चेक करते रहेंगे। ये थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे और इनको पलट देंगे, चिमटा से पलटेंगे, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, नहीं तो इसमें मसाला इसी में गिर जाएगा। ये देखिए इस तरीके करके पलट दिया है बराबर से। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके और रख देंगे। हम खोल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा पक चुका है, हम इसे 2-3 बार पलट चुके हैं, ये अच्छे से पक गया है। इसे आप चाहे तो ऐसे चम्मच से तोड़ करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये बढ़िया टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा भरमा करेला बनकर के तैयार है। इसे आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं।